भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मैच जो ब्रिस्बेन के दगाबा स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार होकर दिखाई दे रही है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ये फैसला अब तक तो लगभग सही समझ आ रहा है। बता दें आपको कि करीब 6 ओवर का खेल हो चुका है और 6 ओवर में 38 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं। नेट रन रेट बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 6.5 के आसपास का है। वही भी भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि डार्सी शॉर्ट का विकेट भारतीय टीम को मिला और ये सफलता दिलाई खलील अहमद। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सदी हुई शुरुआत जरूर की थी, लेकिन खलील अहमद की गेंदबाजी आते ही उन्होंने एक बेहतरीन स्पेल का पहला ओवर डाला और पहले ही ओवर में पहली ही गेंद पर उन्होंने डार्सी शॉर्ट की विकेट ली। डार्सी शॉर्ट पुल मारना चाह रहे थे, वहीं कुलदीप यादव ने उनका कैच पकड़ा और खलील अहमद ने पहली सफलता दिलाई। भारत का पेस बैटिंग कितना मजबूत है ये देखने को मिल रहा है और अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां से एरन फिंच और क्रिस लिन की जोड़ी कितना बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया को दिलाकर देती है, क्योंकि अभी भी मैक्सवेल स्कॉटिस मैकडरमॉट और कैरी तक के बल्लेबाज बाकी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की।